एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गाँव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ भंते, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन वह अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं बुद्ध? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच कह सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वो बिल्कुल भी पहनने लायक रहे ही नहीं। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से घिस चुके थे, कई सारे छेद थे उनमें। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को दो जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए दो दो जोड़ी कपड़े एक पोटली में बंधवा कर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है तो अंत में जाते समय बुद्ध उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार भंते, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जबकि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम मिलेगा, अब हम उन्हें ओढ़नी की तरह उपयोग मिलेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं भंते, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध वो पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बातियाँ बना ली। उन्हीं में से कुछ बातियाँ मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका ये भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी ज़रूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन भी बुद्ध का ये संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी ज़रूरत से अधिक चीज़ें खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीज़ों को रियूज करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीज़ों को ही पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण ये भी है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हर रोज़ नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, जिससे बहुत ही जल्द चीज़ों का फैशन ख़त्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो उनमें कितने तरह के फंक्शन की जाँच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार
एक इंसान अपने फ़ोन के 60% फीचर्स कभी यूज ही नहीं करता, या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है। यानी कि अगर वो फीचर्स ना भी होते तब भी उस इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। पर ये तो है मानव निर्मित चीज़ों की बात, लेकिन समझदारी से यूज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे पानी और बिजली को है। आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीज़ें कम से कम बर्बाद करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखें।